हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो बटर चिकन की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 10 काजू और 10 बादाम को 20 मिनट पहले भिगो दिया था, और इसका हमने इस तरह पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पतीली में तेल ऐड करेंगे, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक टुकड़ा दालचीनी डाल देंगे, और उसमें डालेंगे हम प्याज 2 से 3 बारीक कटी हुई। प्याज को हम लाल कर लेंगे, और ये देखिए प्याज जो है वो हमारी लाल हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 बड़े प्याज का पेस्ट डाल लेंगे, और इसको तेज आंच पे चलाएंगे। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 बड़े चम्मच, और इसको भी हम मिला लेंगे और तेज आंच में हम चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच से कम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। और अब हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बना के रखा था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको ढक करके हम 10 मिनट तक पका लेंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखिए मसाला जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी हमें इसको और पकाना है। तो इसमें हम डालेंगे फूड कलर 1 चुटकी, और अब इसको हम ढक करके फिर से पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमें तेज आंच में चलाते रहना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, और अब हम इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे चिकन को गलाने के लिए। और अब इसको ढक करके पकने के लिए रख देंगे। और ये देखिए जो चिकन है वो, उसको हम चेक कर लेते हैं, वो चिकन गल गया है। और इसमें हम डालेंगे सॉस 2 बड़े चम्मच, टोमेटो सॉस डाल देंगे, और इनको हम मिला लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऊपर से बटर डाल देंगे, और बटर डाल के गैस की आंच बंद कर देंगे। और ये देखिए बटर चिकन जो है वो बन के तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।